जी मानी भाई उठ आइयो थोड़ा अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहेंगे अपने पेजेस के स्पोर्ट्स पर। आज मौजूद हैं टेंकी वाली ग्राउंड शहर रोड जो कि छोटा फाना डाउन ऑफ टेबल क्रिकेट उनका होम ग्राउंड है। यहां पर ऑल पाकिस्तान ओपन टेनिस वर्ल्ड टूर्नामेंट जारी था जिसका आज पहला सेमीफाइनल मैच शुरू हो चुका है दो बड़ी साइडों के दरमियान। और पहला बॉल वाइड बॉल आ चुका है, अहमद गुल्फी हैं बॉलर और स्ट्राइक पर मौजूद हैं गुलफाम चीमा और उनका साथ दे रहे हैं उमर कुमा फ्रॉम लाहौर। बेहतरीन मैच होगा, पहला सेमीफाइनल मैच जारी। एसके स्पोर्ट्स पहला बॉल वाइड बॉल आ चुका है, एक रन से स्कोर का खाता खोला। और तमाम दोस्तों गुजारिश है जल्द से जल्द वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएंगे। बड़ा मैच देखने को मिलेगा, बड़े प्लेयर आमने सामने। पहला बॉल वाइड बॉल आ चुका है, अहमद गुल्फी है बॉलर और स्ट्राइक पर मौजूद गुलफाम लेफ्टी गुलफाम चीमा और उनका साथ दे रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर उमर कोमा फ्रॉम लाहौर। जल्द से जल्द जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएंगे। दूसरी साइड भी बड़ी है और दूसरी साइड पर से भी बट है मानी बट है काशी लेफ्टी राशि लेफ्टी हमजा डार और अहमद कुल्फी इन फॉर्म तमाम के तमाम ले। पहला दूसरा बॉल भी वाइट बॉल आ चुका है, डाउन द लेग साइड बॉल वाइट बॉल आ गया। रिजल्ट और जूम का तमाम बता देंगे। जेबी भाइया आपका टूर्नामेंट कब स्टार्ट हो रहा है? जेबी भाइया भाई मेरा टूर्नामेंट इंशाल्लाह 4 सितंबर से 10 सितंबर तक होगा, एक हफ्ता जारी रहेगा मेरा टूर्नामेंट इंशाल्लाह, बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। अगर किसी टीम ने हिस्सा लेना हो आप मेरे टूर्नामेंट में तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, लेकिन अभी पहले मैच को एंजॉय करेंगे तमाम दोस्त। वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएंगे। दो बॉल वाइट बॉल हो चुके हैं अहमद कुल्फी के और इस दफ़ा फिर से वाइट बॉल का इशारा, फिर से डाउन द लेग साइड बॉल वाइट बॉल। लाइन कंट्रोल करना होगी, एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, बगैर किसी बॉल के 3 रन दे चुके हैं अहमद कुल्फी। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह राना आसिफ आसिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जेबी भैया भाई बेस्ट ऑफ लक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेजन किया। वीडियो को लाजमी शेयर करते हैं तमाम दोस्त जो मेजन करते जा रहे हैं। इस मैच में 200+ व्यू मुझे चाहिए, इस मैच में 200+ व्यू चाहिए मुझे। और पहला सेमीफाइनल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जा रहा है दो बड़ी साइडों के दरमियान। एक साइड पर उमर कोमा गुलफाम चीमा अली गुजर अबू बकर जॉनसन, फिर से वाइट बॉल, इस दफ़ा ऑफ टाइम से बाहर वाइट बॉल किया है। बगैर किसी बॉल के 4 रन दे चुके हैं अहमद कुल्फी। बैटिंग साइड भी काफ़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है और बैटिंग लाइन भी काफ़ी मजबूत है और जिनमें शामिल हैं गुलफाम चीमा उमर कोमा अली गुजर अबू बकर जॉनसन छोटा पोला और भी काफ़ी शजर हैं लाहौर से ताल्लुक और बिलाल हैं डिसेबल है लेकिन बॉलिंग परफॉर्मेंस कमाल की करते हैं बिलाल फ्रॉम लाहौर। और बॉलिंग से इस दफ़ा लीगल बॉल किया है, लो फुल टॉस था अच्छी तरफ नक नहीं कर पाया, आउटसाइड एज के साथ रन मिलेंगे दो। पहला लीगल बॉल किया यहाँ पर अहमद कुल्फी ने और 2 रन आए हैं, ग्राउंड शॉट था आउटसाइड एज हुआ था और 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं गुलफाम चीमा और उमर कोमा। एक बॉल पर 6 रन आ चुके हैं अहमद कुल्फी को, 5 बॉल अभी बाकी हैं, 5 बॉल अभी बाकी हैं। पहले ओवर का खेल जारी, पहली इनिंग के पहला ओवर जारी। अब अहमद कुल्फी हैं बॉलर और सामना कर रहे हैं गुलफाम चीमा, आ गया चीता है। अब देखो गुलफाम की बैटिंग, ओके जनाब एम सद्दाम भाई तमाम दोस्तों से गुजारिश है जल्द से जल्द वीडियो को लाजमी शेयर करते जाए, नहीं लगेगा 6 से भी पाया कह रहे हैं जनाब, ओके नबील पोला है आज के मैच में बिल्कुल जनाब मोहम्मद सज्जाद भाई नबील और छोटा पोला बैटिंग साइड पर मौजूद है, दोनों बड़ी साइडें आमने सामने टेनिस के बेहतरीन प्लेयर हैं आमने सामने। एक बॉल पहली इनिंग का पहली बॉल पर 6 रन आ चुके हैं, 4 एक्स्ट्रा और 1 और 2 रन के साथ और शॉट किया इस दफा ग्राउंड शॉट है, बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, 1 बाउंस अंश विरक है फील्डर वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन पर रोका यहां पर अंश विरक ने। अब स्ट्राइक्स लेंगे उमर भाई, उमर फ्रॉम लाहौर, उमर कोमा फ्रॉम लाहौर स्ट्राइक लेंगे, स्ट्राइक करेंगे अब अहमद कुल्फी को। पहली बॉल फेस करेंगे उमर कोमा फ्रॉम लाहौर
ओके जनाब एम सद्दाम भाई काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने हो रहे हैं जनाब? टेंकी वाली ग्राउंड शहर रोड गुजरावाला में, छोटा फाना की होम ग्राउंड है ये वाली ग्राउंड, बेहतरीन तेज विकेट है ये वाला विकेट, गुजरावाला की सरजमीन का सबसे तेज विकेट है ये वाला टेंकी वाली ग्राउंड का। पहला बॉल फेस करेंगे उमर कोमा, ओ बेहतरीन बॉल, लो फुल टॉस, ग्राउंड शॉट है, से भी बड़ा वहां पर फील्डर मौजूद है, रन लिया है सिर्फ और सिर्फ एक। तीन बॉल हो चुके हैं पहले ओवर के और आठ रन हो चुके हैं, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं निकली, तीन गेंदों पर आठ रन आ चुके हैं, चार वाइड के और चार सिंगल डबल के। छोटा बोला है बिल्कुल जनाब। वालेकुम अस्सलाम मेरा सोनू भाई, वालेकुम अस्सलाम, जल्द से जल्द तमाम दोस्तों के जारी है, वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएं और 200 प्लस व्यू करना है इस मैच में। पहला सेमीफाइनल जारी है, अहमद कुल्फी है बॉलर और सामना करें गुलफाम जी, इस दफा शॉट किया, इस दफा फील्डर वहां पर मौजूद, मौजूद वन बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में, एक रन मिलेगा, बेहतरीन कम बैक। मोहरम चलता है एतराज हों, कौन सी जगह है आसिम अकरम भाई? ये मैच जारी है टेंकी वाली ग्राउंड में, टूर्नामेंट जारी था काफी देर से, फिर बारिशों की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और बारिशों के बाद पहला सेमीफाइनल जारी है। और शॉट, लवली शॉट यहाँ पर, आगे बढ़ता हुआ बोलता बेहतरीन कनेक्शन यहाँ पर उमर कोमा फ्रॉम लाहौर की जान से, पहली बाउंड्री, इनिंग की पहली बाउंड्री और उमर कोमा के बैट से निकलती हुई पहली बाउंड्री आ चुकी है स्टेट की जानब, बेहतरीन शॉट यहाँ पर देखने को मिला उमर कोमा के बैट से। स्कोर हो चुके हैं तकरीबन 15 रन हो चुके हैं, लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर का अहमद कुल्फी। तमाम दोस्तों गुजारिश है जल्द से जल्द वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएं, 200 प्लस व्यू करने हैं इस मैच में, सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल मैच जारी है दो बड़ी साइडों के दरमियान, लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर का अहमद कुल्फी और शॉट किया, इस दफा फिर से रन मिलेंगे 6, बेहतरीन कनेक्शन रहा इस दफा, फिर दूसरा छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं उमर कोमा फ्रॉम लाहौर, 21 रन देकर पहला ओवर मुकम्मल किया यहां पर अहमद कुल्फी ने, 4 रन एक्स्ट्रा के जरूर दिए, 10 बॉल टोटल की हैं इस ओवर में, उसके बाद 6 लीगल बॉल किया, 6 बॉलों पर 17 रन आए थे अहमद कुल्फी को, 4 एक्स्ट्रा पहली बॉल बगैर किसी बॉल के किए थे। आज माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर टेंकी वाली ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे, आदिल अलेवन की तरफ से गुलफाम और उमर बैटिंग करने के लिए आए हैं, फील्डिंग की तरफ से है इस टूर्नामेंट के सरप्रस्त आला हैं लाला असदुल्ला पापा, अकराम मेहर साहब, बहु अकराम मेहर साहब इस टूर्नामेंट के सरप्रस्त आला हैं, उनकी जेर निगरानी ये टूर्नामेंट जारी था, आज उसका सेमीफाइनल मैच जारी और लाला लुकमान मून चेयरमैन इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। पहला बॉल फुल टॉस किया और रन देखने होंगे, अंपायर्स कॉल है दो रन, बाउंड्री के बाहर चली गई है, दो रन मिलेंगे, बैक साइड पर शॉट चला गया है, दो रन मिलेंगे, बाउंड्री से बाहर भी चला जाए लेकिन ग्राउंड में रहेगा तो छक्का मिलेगा, ग्राउंड से बाहर चला जाएगा तो छक्का नहीं मिलेगा। दो रन से आगाज किया राशि लेफ्टी ने, पहला बॉल दो रन है, लो फुल टॉस भी था और अच्छा कनेक्शन किया यहाँ पर गुलफाम चीमा ने, और फिर से नो बॉल, फुल टॉस है, देखना होगा, नो बॉल का इशारा है, लेग अंपायर का इशारा, नो बॉल, ओवर हाइट का नो बॉल दिया गया है, फुल टॉस ओवर हाइट का नो बॉल दिया गया है, फ्री हिट भी मिलेगी साथ में, फ्री हिट भी मिलेगी। एम आदिल भाई वालेकुम अस्सलाम, शफकत अब्बासी भाई, भाई जान वैसे हरसू अटक में फाइनल मैच है, डीएम और केसी का पता है किस पेज पे लाइव है बता दें, शफकत अब्बासी भाई उसका नहीं इलम के किस पेज पे लाइव चल रहा है, फ्री हिट मिलेगा, दूसरी बॉल भी फुल टॉस की लेकिन इस दफा लेग अंपायर की जानिब से नो बॉल का इशारा और साथ में फ्री हिट भी मिलेगी, देखते हैं फ्री हिट से भरपूर फायदा उठाते हैं या नहीं गुलफाम चीमा, छक्का लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, यहाँ राशि लेफ्टी बेहतरीन बॉल करके डॉट करते हैं गुलफाम चीमा को।
और बेहतरीन बॉल, बेहतरीन बॉल, डाठों का बॉल, बेहतरीन बॉल किया यहाँ पर ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल स्टार्ट करने में कामयाब हुआ है। फ्री हिट जाया की है यहाँ पर गुलफाम चीमर। न्यू है मैच, बिल्कुल जनाब न्यू मैच है, लाइव मैच है, सेमीफाइनल मैच है इस टूर्नामेंट के सरप्रस्त आला जेरे निगरानी लाला असदुल्ला पापा बाओ अकराम मेहर है जनाब इस टूर्नामेंट के सरप्रस्त आला और लाला लुकमान मून चेयरमैन ऑफ नौशहरा रोड वो उनकी वो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के। अगला बॉल शॉट किया लो फुलटा था फिल, इस दफा देखना होगा बाउंड्री, अगर फिर से दो रन मिलेंगे, फिर से दो रन मिलेंगे, बड़े हिट थे दोनों लेकिन बैक साइड पर एक दीवार है, दीवार के पार चला गया है बॉल। शॉट अगर ग्राउंड के अंदर रहती तो यकीनन ये छह रन मिलते लेकिन दो रन पर ही इत्तफाक करना होगा गुलफाम चीमा को। दोनों शॉट्स बड़े लगाए थे लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ, दो रन ही हासिल करने में कामयाब हुए हैं गुलफाम चीमा। मैसम बट लव यू जानी, ओके जनाब एहसानुल्लाह छन्ना ने हमें जनका लिया है। न्यू है मैच, बिल्कुल जनाब न्यू है। एम सद्दाम भाई वालेकुम अस्सलाम, उमर अख्तर भाई वालेकुम अस्सलाम, जल्द से जल्द वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएंगे। तो मान लो 200 प्लस व्यू करना है, मैंने आपको आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनाब 200 प्लस व्यू करना है, तमाम दोस्तों ने वीडियो को लाजमी शेयर करते जाना है। स्लो फुल टास फिर से इस दफा रन मिलेंगे छह, इस दफा छह रन हासिल करने में कामयाब। तमाम के तमाम बॉल फुल टास किए हैं राशि लेफ्टी ने, तमाम के तमाम हिट हुए लेकिन दो बॉलों पर दो दो रन मिले इस दफा ग्राउंड के अंदर आप बॉल और छह रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं गुलफाम चीमा। बेहतरीन बॉलिंग जारी, बेहतरीन बैटिंग जारी गुलफाम चीमा की जानब से। रामेश नदीम भट्ट भाई बड़ा मजाक करते हैं आप, किधर हो रहा है जनाब? उमर अख्तर भाई टैंकी वाली ग्राउंड में है और इस दफा ऑफ स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा। चार गेंदों पर मेरे ख्याल में रन लग चुके हैं 12, है ना, चार गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं राशि लेफ्टी को और बॉलर को डिस्टर्ब लग रहा है, पता नहीं क्या मतलब। राशि लेफ्टी को 12 रन आ चुके हैं चार गेंदों पर, दो बॉल अभी बाकी हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी। पहला ओवर अहमद कुल्फी ने 21 रन देकर मुकम्मल किया था और अब चार गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं राशि लेफ्टी को भी। देखते हैं दो बॉल सेव करने में कामयाब होते हैं, बाउंड्री कोई लगाने में कामयाब होते हैं गुलफाम चीमा भी। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेज में शेयर करें और 200 प्लस व्यू करना है। शॉट लवली शॉट, इस दफा ऑफ स्टंप पर बॉल गया और लॉन्ग ऑन की जान अब छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं गुलफाम चीमा। आउटस्टैंडिंग शॉट यहां पर देखने को मिला गुलफाम चीमा के बैट से, छह रन लगाने में कामयाब, पहला दूसरा छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले भी दो बड़े हिट लगाए थे लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ था, दो दो रन मिले थे लेकिन इस दफा दो छक्के लगा चुके हैं गुलफाम चीमा, दो छक्के लगा चुके हैं उमर कोमा फ्रॉम लाहौर। बेहतरीन कनेक्शन, बेहतरीन बैटिंग जारी, बड़ा टोटल सेट हो सकता है इस दफा भी। बेहतरीन शॉट गया बालावा में और जाएगा बाउंड्री लाइन पर, सिक्स नंबर थ्री बाय गुलफाम चीमा फ्रॉम अहमदानगर, अहमदानगर की सरजमीन का चीता बैट्समैन गुलफाम चीमा। मुजम्मल कामों की नहीं है जनाब, कामों की सरजमीन से छोटा पोला आया है नबील और छोटा पोला। 24 रन दिए हैं इस ओवर में राशि लेफ्टी ने, 21 और 24 45 रन हो चुके हैं दो ओवर का खेल मुकम्मल। पहली इनिंग में दो ओवर के खेल के बाद 45 रन कर चुकी है। जुगल मेला लगाई रखो आवाम, सवाल ही ऐसे करते हैं। बिल्कुल जनाब रामेश नदीम भट्ट भाई ऐसे ही बात है, आपने अच्छा जवाब दिया मेरी जगह। आ गया मौसम, बिल्कुल जनाब तंजील को आ जाए भाई, मौसम आ गए हैं। 15 अगस्त के टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, पूरे टूर्नामेंट में कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो मौसम को छक्का लगा सका और तमाम मैचेस में बगैर किसी छक्के के ओवर किए थे मौसम ने और फाइनल भी अपने नाम किया था मौसम और बिलाली भट्ट ने। बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस रही थी वहां पर मौसम की। अब देखते हैं यहां पर अगेंस्ट बिग प्लेयर फ्रॉम लाहौर उमर कोमा के अगेंस्ट कैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस करते हैं मौसम। पहला बॉल करेंगे, तीसरे ओवर का पहला बॉल करेंगे मौसम, सामना कर रहे हैं उमर कोमा फ्रॉम लाहौर, लाहौर टाटा की नगरी से आया हुआ प्लेयर और दो छक्के लगा चुके हैं अभी तक और इस दफा पहला बॉल वाइड बॉल कर चुके हैं मौसम। आते ही एक्स्ट्रा के साथ शुरू किया अपना ओवर का आगाज वाइड के साथ किया है मौसम ने।
46 रन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, 46 रन हो चुके हैं। दो ओवर का खेल मुकम्मल है, तीसरे ओवर का पहला बॉल वाइड बॉल आ चुका है। ओस्लोवन की इस दफा बेहतरीन बॉल आउट साइड एज हुआ है, इन साइड एज हुआ, बल्कि रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक, एक बॉल दो रन दे चुके हैं मौसम भी, 47 रन मजमू तौर पर मौसम 12 खाएगा बस। तंजील ख्वाजा कह रहे हैं जनाब फाइनल कब है, फाइनल इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद होगा, कल से 9 और 10 मुहर्रम है, दूसरा सेमीफाइनल बताया जा रहा है या जुमे को होगा या इतवार को होगा, फिर उसके बाद फाइनल मैच करवाया जाएगा। फाइनल दूसरा सेमीफाइनल में छोटा फाना इन एक्शन होंगे अपने होम ग्राउंड टैंकी वाली ग्राउंड में। दूसरा बॉल करेंगे मौसम, सामना करेंगे अभी गुलफाम जी, मैं 3 छक्के लगा चुके हैं, शॉट लवली शॉट गुलफाम चीमा, यो बैठे आउटस्टैंडिंग शॉट, यहाँ पर ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है बॉल को, बेहतरीन शॉट गुलफाम चीमा की पैर से, इतना बड़ा छिक्का टेप बॉल का लगता है जितना बड़ा छिक्का टेनिस बॉल का लगाया है गुलफाम चीमा ने। चौथा छिक्का लगाने में कामयाब हुए हैं गुलफाम चीमा, आउटस्टैंडिंग मैच जारी, 6 काउंट करो, 4 छिक्के हो चुके हैं गुलफाम चीमा के, 2 छिक्के उमर कोमा फ्रॉम लाहौर के हैं, इनिंग के तकरीबन 6 छिक्के हो चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल जा रहा है। ओ बेहतरीन बॉल, इस दफा तेज बॉल और कैच की कॉल थी लेकिन पहुंच से दूर था, पहुंच से दूर रहा इस दफा कैच, फील्डर के पहुंचने से पहले ही बाउंड्री ग्राउंड को टच कर गई थी बॉल और सेफ रहे वहां पर गुलफाम चीमा। 3 गेंदे 9 रन दे चुके हैं मौसम, 3 बॉल का खेल अभी बाकी, तीसरे ओवर के 3 बॉल अभी बाकी हैं और अब स्ट्राइक लेंगे उमर कोमा जो के बिना 2 छक्के लगा चुके हैं, बेहतरीन शॉट किए थे अहमद कुल्फी को उमर कोमा ने। ओवर का तीसरा चौथा बॉल करेंगे मौसम, स्ट्राइक पर मौजूद है उमर कोमा फ्रॉम लाहौर, दाता की नगर, बेहतरीन बॉल लेकिन नेक्स्ट टाइम पर वाइड बॉल होगा। 10 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर मौसम को, 3 बॉल अभी बाकी हैं। कहां हो रहा है मैच, राणा फैसल भाई ये मैच हो रहे हैं टेंकी वाली ग्राउंड नुशहरा रोड गुजरांवाला में, ये ग्राउंड छोटा फाना डॉन ऑफ टेबल क्रिकेट उनकी होम ग्राउंड है, यहां से यहां पर प्रैक्टिस करते हैं छोटा फाना ग्राउंड में, बिल्कुल जनाब रामेश दीप भट्ट भाई ग्राउंड में हो रहा है। ओ बेहतरीन बॉल और फील्डर वहां पर मौजूद वाली पर लेकिन सेफ रहेंगे बॉल, यहां पर उमर कोमा 1 रन जरूर मिलेगा, 11 रन हो चुके हैं। दूसरा सेमीफाइनल जुम्मे वाला दिन कहा जा रहा है जनाब, स्कोर तकरीबन हो चुका है सर 56 रन हो चुके हैं, शॉट ग्राउंड शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद है सबिरक और रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक, 12 रन दे चुके हैं मौजम, लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर का, 12 रन आ चुके हैं मौजम को 5 गेंदों पर और लास्ट बॉल करेंगे और स्ट्राइक पर मौजूद है उमर कोमा, डेंजर मैन टेनिस बॉल के बड़े प्लेयर हैं उमर कोमा फ्लाम लाहौर। कितनी ओवर है, 5 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच जारी है और 5 ओवर में से तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर का लास्ट बॉल करेंगे मौसम, 12 रन दे चुके हैं 5 गेंदों पर, लास्ट बॉल करेंगे, अब देखते हैं कि बाउंड्री आती है या नहीं, अगर बाउंड्री आती है तो बेहतरीन टोटल एवरेज सेट हो सकता है और अंपायर्स कॉल वाइड बॉल, डेड बॉल है, विकेट से नीचे लगा है बॉल, डेड बॉल करार दिया गया है दोनों अंपायर की तरफ से। थैंक्स सुहेल भाई, राणा फैसल भाई आपके बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया यार ग्राउंड का तो बताओ मोहम्मद सलमान भाई, मैंने आपको बताया कि टेंकी वाली ग्राउंड नुशहरा रोड गुजरांवाला में टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है जिसकी वजह से लिखा नहीं गया और फिर से डेड बॉल होगा, बहुत अच्छा ये डेड बॉल करार दिया गया है, अगर फर्स्ट कॉल नो बॉल किया तो नो बॉल होगा, आज के मैच के मेहमान होंगे आफ्ताब खोकर साहब आपके हमारे पास मौजूद होंगे,
सुहेल भाई कौन सी ग्राउंड में हो रहा है जनाब? मोहम्मद सलमान भाई मैंने आपको बताया टेंकी वाली ग्राउंड शहर रोड गुजरावाला में हो रहा है। और फर्स्ट का लो बॉल हुई थी लेकिन फिर डेड बॉल हुआ है, बॉल विकेट से नीचे लगा बॉल। देखते हैं अब हतमी फैसला क्या आता है, दोनों अंपायर का बाहमी मशवरे के साथ देखते हैं अब क्या फैसला आता है, नो बॉल है या डेड बॉल है। डेड बॉल करार दिया गया है, डेड बॉल करार दिया गया है इस बॉल को। फर्स्ट कॉल नो बॉल आई थी लेकिन फिर से डेड बॉल करार दिया गया, दोनों अंपायर का हतमी फैसला आया है डेड बॉल करार दिया गया है। कौन सी जगह है कदीर अहमद भाई? जगह है नुशहर रोड गुजरावाला टेंकी वाली ग्राउंड, छोटा फना की होम ग्राउंड है ये वाली। उमर को मासा सामना करेंगे मौसम का, लास्ट बॉल का फेस करेंगे तीसरे ओवर की। और नो फुलटा फुलटा से नो बॉल का इशारा, सामने रन जुड़ेंगे छह, नो बॉल के साथ रन जुड़ेंगे छह। ये एक्स्ट्रा स्कोर दी है, 7 एक्स्ट्रा के स्कोर दे दी है, एक्स्ट्रा के 7 रन दे चुके हैं, 19 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर। फ्री हिट भी साथ में मिलेगा उमर कोमा को, ये तीसरा छक्का निकला है उमर कोमा फ्रॉम लाहौर के बैट से, उमर कोमा फ्रॉम लाहौर के बैट से तीसरा छक्का निकल चुका है और बेहतरीन ओवर करते करते 7 रन एक्स्ट्रा का दे चुके हैं अब मौसम, 19 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 64 रन हो चुके हैं मजमू तौर पर, तीसरे ओवर का खेल जारी, लास्ट बॉल करेंगे मौजम, 64 रन हो चुके हैं, लास्ट बॉल है, फ्री हिट भी है और फिर से डेड बॉल होगा मेरे ख्याल में, डेड बॉल है, डेड बॉल करा दिया गया है, विकेट से नीचे लगा है बॉल, सीमट विकेट से नीचे लगे बॉल तो डेड बॉल करा दिया जाएगा। सोहेल भाई अली पिटशियल नहीं है जनाब, हमजा मुगल भाई अली पिटशियल नहीं है, कामों की सरजमी से छोटा पोला तशरीफ लाए हैं जनाब। और दोनों साइडें बड़ी साइडें सेट की गई हैं, सेमीफाइनल मैच है और स्लो वन किया फिर से शॉट करने में कामयाब हुए हैं, ग्राउंड शॉट है, एक रन हासिल किया, एक रन हासिल किया है उमर कोमा ने और 20 रन देकर ओवर को मुकम्मल किया यहाँ पर मौजम ने। काफी टाइम लगा इस ओवर को मुकम्मल होने में, 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 65 रन हो चुके हैं, 65 रन हो चुके हैं, 3 ओवर का खेल मुकम्मल है। अब देर आए दुरुस्त आए, काशिफ लेफ्टी को ओवर दिया गया है, आजमाया गया है काशिफ लेफ्टी को, देखते हैं अब काशिफ लेफ्टी अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित होते हैं या नहीं, गुलफाम चीमा और उमर कोमा को रोकते हैं कम स्कोर पर या नहीं, या उमर कोमा अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए छक्के लगाने में कामयाब होते हैं काशिफ लेफ्टी को भी। 3 छक्के तो आ चुके हैं उमर कोमा के बैठे और गुलफाम चीमा 4 छक्के लगा चुके हैं इस इनिंग के, 3 ओवर में 7 छक्के आ चुके हैं दोनों बल्लेबाजों के बैट से। अब काशिफ लेफ्टी चौथा ओवर करने के लिए रेडी और सामना करेंगे उमर कोमा। जेबी को सलाम देना, राणा फैसल कह रहे हैं जनाब, जेबी भाई को सलाम, आपका सलाम पहुंच गया है राणा फैसल भाई, राणा शाह असद हुजन बिल्ली नहीं है जनाब, राणा असद भाई हुजन अली बिल्ली नहीं है। पहला बॉल चौथे ओवर का और क्लीन बॉल कर दिया, क्लीन बॉल कर दिया है, इनसाइड एज और सीधा विकेट पर लगा है बॉल, टॉप विकेट पर लगा और आउट करने में कामयाब। जैसे मैंने कहा था कि देर आए दुरुस्त आए वो वाला साफ करने वाले करेंगे काशिफ लेफ्टी, पहली बॉल की और बड़ा विकेट हासिल करने में कामयाब उमर कोमा फ्रॉम लाहौर की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, पहला नुकसान बैटिंग साइड का। काशी जो पहले विकेट लेने में कामयाब हुए, सनी लेमन की तरफ से बैटिंग के लिए नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, बिग फैन ऑफ जेबी बैट, ओके राणा फैसल भाई बिग फैन है आप जेबी बैट के, बस वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं की, जेबी बैट को आपने अभी तक शेयर नहीं किया जनाब, जेबी बैट हमारे गुजरावाला के पाकिस्तान के नाम माने जाने प्लेयर जेबी बैट, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह इन एक्शन होंगे इसी विकेट पर। उमर राजपूत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया, मानी बट है बिल्कुल जनाब, मानी बट है, शजर आए हैं जनाब, अब लाहौर से ताल्लुक है इनका भी शजर का और सामना करेंगे काशिफ लेफ्टी का, शजर फ्रॉम लाहौर सामना करेंगे काशिफ लेफ्टी का, बिल्कुल अली असराज और चार्ज किया, अंदर ही चार्ज किया है, पहली बॉल फेस की और पहला छक्का निकल चुका है शजर फ्रॉम लाहौर की बैट से, बेहतरीन कनेक्शन बेहतरीन शॉट शजर के नाम।
आते ही पहला बॉल फिस किया, पहली बॉल पर ही पहला छक्का लगाने में कामयाब काशिफ लेफ्टी को, पहली बॉल पर विकेट हासिल जरूर किया, उसके बाद पहली बॉल दूसरी बॉल पर छक्का चुका है, अगला बॉल और टॉप है जोर, देखना होगा छह रन मिलेंगे यहाँ पर, टॉप एज हुआ और बाउंड्री लाइन क्रॉस करने में कामयाब हुई है बॉल 6 रन के लिए, पहली बॉल पर विकेट हासिल की उमर कोमा की, अगली दो बॉलों पर दो छक्के आ चुके हैं काशिफ लेफ्टी के भी, शजर फ्रॉम लाहौर के बैट से, शजर को सलाम देना, अली बसरा का सलाम आया है शजर भाई के लिए, ओके जनाब आपका सलाम पहुंच गया है अली बसरा भाई, हमजा अफजल शेडर, ओके आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और बेहतरीन बॉल एज हुआ है और कैच आउट करने में कामयाब, दूसरा विकेट हासिल करने में कामयाब, बेहतरीन कमबैक यहां पर शजर की, विकेट हासिल करने में कामयाब है डेंजर मैन शजर की, विकेट हासिल की यहां पर काशिफ लेफ्टी ने, दो बॉलें फेस की, दो गेंदों पर दो छक्के लगाए और उसके बाद तीसरी बॉल पर कैच आउट हुए हैं सिर्फ बैठ गया तो सुफियान मिर्जा भाई, दो और आउट लिख लेते हैं, एक दो आउट कर चुके हैं काशिफ लेफ्टी, अब आए हैं डेंजर मैन अली गुज्जर, गुजरावाला के माने जाने माने नाम बेहतरीन ऑलराउंडर हैं अली गुज्जर, सामना करेंगे काशिफ लेफ्टी का, और शॉट किया पहला बॉल फेस किया और सीधा फील्डर के हाथ में वन बॉल से रन मिलेगा, एक और लेजी फील्डिंग रही वहां पर, दूसरा रन ले सकते थे लेकिन अली गुज्जर रेडी नहीं थे, ओ मैं हॉस्टल लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर का, 13 रन एक दो विकेट बड़े हासिल कर चुके हैं काशिफ लेफ्टी, अब लास्ट बॉल का फेस करेंगे गुलफाम चीमा, लेफ्टी टू लेफ्टी देखते हैं अब कौन सा लेफ्टी हैवी होता है, काशी लेफ्टी या गुलफाम लेफ्टी, और शॉट किया बेहतरीन शॉट गुलफाम चीमा के बैट से, पांचवा छक्का लगा चुके हैं अभी तक का गुलफाम चीमा, 19 रन देकर दो बड़े विकेट हासिल किए और ओवर को मुकम्मल किया, 84 रन हो चुके हैं, 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 4 ओवर के खेल के बाद 84 रन हो चुके हैं, बड़ा टोटल सेट हो सकता है अगर अली गुज्जर 2 से 3 छक्के लगाते हैं तो बड़ा टोटल सेट हो सकता है, 100+ का टोटल सेट कर सकते हैं अली गुज्जर और गुलफाम चीमा, और मुझे लगता है कि जेबी भट्ट भी इन्फॉर्म है 100 रन का टारगेट चेज करने के लिए पूरा दम, जेबी भट्ट मानी भट्ट अंश विरक काशी लेफ्टी बेहतरीन बैटिंग लाइन मौजूद है दूसरी साइड पर भी बॉलिंग साइड पर भी, लास्ट ओवर करने के लिए आए हैं अहमद कुल्फी, पहला ओवर करके गए थे 21 रन का, अब देखते हैं कम बैक करते हैं कि नहीं, कम बैक करते हैं कि नहीं अगेंस्ट अली गुज्जर और गुलफाम चीमा, बच गया काशी नहीं भाई, 3 छक्के और 2 विकेट भी हासिल किए, और पहला बॉल शॉट किया, देखना होगा 6 रन मिलेंगे, पहली बॉल फेस की अली गुज्जर ने और छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं अहमद कुल्फी को, अली गुज्जर का पहला छक्का स्क्वायर लेग की जानब, बेहतरीन शॉट थी, बेहतरीन बॉल था लेकिन उससे भी अच्छा कनेक्शन रहा अली गुज्जर की तरफ से, 90 रन यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं, 5वें ओवर का खेल जारी, 5 बॉल अभी बाकी पहली इनिंग के, और स्लो वन किया इस दफा डॉट करने में कामयाब, दूसरा बॉल समझदारी से डाला और डॉट करने में कामयाब हुए हैं अली गुज्जर को, हमारे पास 2 मिनट मौजूद होंगे, हम उनको समझदारी से करनी होगी बॉल, अगर 100 से नीचे रखना है बैटिंग साइड को, अली गुज्जर बड़ा प्लेयर बनाना फैसला कर रहे हैं, बिल्कुल जनाब अहमद कुल्फी आया है, बिल्कुल जनाब सुफियान मिर्जा भाई पहला ओवर 21 रन का किया था, अब रन 6 दे चुके हैं 2 गेंदों पर, अगला बॉल स्लो वन किया फिर से टॉप एज है, फील्डर नीचे मौजूद राशि लेफ्टी और कैच आउट, बेहतरीन कैच राशि लेफ्टी की तरफ से, अली गुज्जर का विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं अहमद कुल्फी, स्लो वन किया और टॉप एज होकर कैच आउट हुए हैं राशि लेफ्टी के हाथों, स्लोते खलोता ते रह गुज्जर, बिल्कुल जनाब 2 स्लो वन किए और 1 बॉल डॉट, दूसरे बॉल पर कैच आउट हुए हैं, सुफियान मिर्जा भाई यहाँ हुन नहीं
खाएगा छक्का। बिल्कुल जनाब सुफियान मिर्ज़ा भाई आउट करने में कामयाब हुए हैं और अब साथ देंगे गुलफाम चीमा का नॉन स्ट्राइक गेंद पर नबील और छोटा बॉल आकामो किसे ताल्लुक है उनका। तीन बॉल का खेल बाकी है और लो फुलटास, ओहो पाउ स्लिप हो गया गुलफाम चीमा का, रन आउट होने का खतरा था लेकिन बच के हवा पर पाउ स्लिप हो गया था विकेट पर। बचत है गुलफाम भाई बचत, ओके जनाब बचत किया और पाउ स्लिप हुआ था गिर के थे और रन नहीं ले सके। चार गेंदों पर छह रन देकर अली गुज्जर का विकेट हासिल कर चुके हैं अहमद कुल्फी। ओके आज गुज्जर, बिल्कुल जनाब गुज्जर आउट हो चुका है, गुज्जर को पकड़ लिया गया है, अहमद कुल्फी ने पकड़ा है आज के मैच के मेहमान आफ्ताब गुज्जर। ओ बेहतरीन बॉल, लवली बॉल, लवली बॉल, ऑल एक्स्ट्रा है, ऑल एक्स्ट्रा है कह रहे हैं। ऑल एक्स्ट्रा है, ऑल एक्स्ट्रा है, लेग बाय के दो रन ले लिए हैं गुलफाम चीमा और नबील और छोटा बॉलर ने। इनिंग का लास्ट बॉल करेंगे अहमद कुल्फी और मजमूई तौर पर स्कोर हो चुका है 92 रन हो चुके हैं। अगर लास्ट बॉल पर छिकल करने में कामयाब होते हैं गुलफाम चीमा तो 99 रन का टोटल सेट करेंगे टीम से भी पार्ट के लिए। देखते हैं कि छिकल करने में कामयाब होते हैं या नहीं, कोई रन आता है लास्ट बॉल पर या नहीं। ये कौन सी सेटल टोन है, ये जनाब सेटल टोन जो है गुजरावाला का वही सेटल टोन है और शॉट किया, ग्राउंड शॉट है, एक रन लिया, दूसरा रन भी ले सकते हैं और रन ले लिया दो, मिस फील्डिंग का जेबी भट्ट, तीन रन ले लिए गए मिस फील्डिंग के तीन रन ले लिए गए 95 रन का वहां पर मुकम्मल टीम बैटिंग के और 96 रन का टोटल सेट किया गया है जेबी भट्ट के लिए। देखते हैं अब कितने ओवर में ये रन चेज करने में कामयाब होती है टीम सेटराट ऑन। 96 रन का टोटल सेट किया गया है और उनसे गुजारिश आगे जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाएं। सुफियान मिर्ज़ा भाई ओके नो 96 रन का टारगेट सेट किया गया है टीम सेटल डाउन के लिए और बॉलिंग लाइन भी काफी मजबूत है बैटिंग जो अभी करके गई है। बॉलिंग लाइन काफी स्ट्रांग है टीम अदर इलेवन की, देखते हैं अब रन्स सेव करने में कामयाब होती है कि नहीं। 96 रन्स है 30 गेंदों पर, 96 रन्स सेव करने होंगे 30 गेंदों पर। बॉलिंग मौजूद है, अबू बकर जॉनसन है, शजर फ्रॉम लाहौर है, बिलाल डिसेबल फ्रॉम लाहौर है, अली गुज्जर बॉलर है उनके पास और खिजर भी है बॉलर अगर ओवर देना पड़ा तो। वैसे बॉलिंग लाइन कंप्लीट बॉलिंग साइड मौजूद है। अली गुज्जर, सुफियान मिर्जा कह रहे हैं जनाब अली गुज्जर। जल्द से जल्द तमाम दोस्तों से वीडियो शेयर करने की गुजारिश है जनाब, वीडियो को शेयर करते जाएं। जेबी भट्ट बैटिंग पर आ रहे हैं जनाब। किंग ऑफ एशिया हाफिज बोला का मैच कब है? किंग ऑफ एशिया हाफिज बोला नहीं है इस टूर्नामेंट का हिस्सा। साजिद खान भाई हो सकता है कि फाइनल मैच में ना आ जाए। बिलाल फ्रॉम लाहौर डिसेबल हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हैं अगेंस्ट बिग प्लेयर। कल बलाली ने लिहाई बिच रखे नहीं। 96 और ओपनिंग बल्लेबाज रवायती चोरी जेबी भट्ट और काशिफ लेफ्टी आ चुके हैं विकेट पर स्ट्राइक लेने के लिए और पहला ओवर जेबी भी पिक होता है। दूसरी इनिंग का आगाज हुआ जाता है, पहला और अटैकिंग ओवर दिया गया है। पहला और अटैकिंग ओवर करने के लिए आए हैं शजर फ्रॉम लाहौर और बैटिंग पर मौजूद है गब्बर सिंह और जेबी भट्ट।
स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देंगे काशिफ लेफ्टी। दोनों प्लेयर टेनिस के आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज हैं जनाब। आज देखते हैं 96 रन का टारगेट चेज करने में कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ बॉलिंग साइड हैवी होती है बैटिंग साइड पर। उस्ताद जी बोलते नहीं, ओके जेबी भाई, जेबी जितने छिक्के मारे उतने 100। कौन कह रहे हैं शान शान किंग ऑफ एशिया, सिर्फ एक ही है माय ऑल टाइम फेवरेट तैमूर मिर्जा। ओके उमर अख्तर भाई किंग ऑफ एशिया है, वो तो ब्रांड है जनाब पाकिस्तान ब्रांड नंबर वन तैमूर मिर्जा। तंजील ख्वाजा 10 छिक्कों पर 1000 जेबी भट्ट को। तंजील ख्वाजा की तरफ से ऐलान है 10 छिक्के जेबी भट्ट मारे तो 1000 रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा जेबी भट्ट को। और रन करने हैं 96, बॉल है हाथों में 30 और विकेट है हाथों में 9 विकेट, 30 बॉल और 96 का पहाड़ जैसा। अब देखते हैं अब पहला बॉल दूसरी इनिंग का। और पहला बॉल और अजवा कैच ड्रॉप किया वहां पर फील्डर ने, कीपर ने कैच ड्रॉप कर दिया पहली बॉल पर। वेरी फर्स्ट बॉल जेबी भट्ट, गब्बर सिंह डेंजर मैन का कैच ड्रॉप किया खिजर ने। अब ये मुश्किलात में डाल सकता है ये वाला कैच, मुश्किलात में डाल सकता है ये वाला कैच बॉलिंग साइड को। पहला बॉल डॉट हो चुका है, कैच ड्रॉप हुआ पहली बॉल पर और डॉट हुआ है बॉल। अगला बॉल शजर शॉट किया इस दफा बेहतरीन कनेक्शन, जेबी भट्ट के बैट से पहला छक्का निकल चुका है। पहली वेरी फर्स्ट बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप करने का नतीजा ये निकलता है अगली ही बॉल पर छक्का लगता है और वही काम हुआ। पहली बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ, दूसरी बॉल बेहतरीन कनेक्शन, 6 रन के लिए खेल दिया है जेबी भट्ट ने। पहला छक्का निकल चुका है जेबी भट्ट के बैट से, बिल्कुल लगाई हुई थी अब्दुल्ला जट भाई लगाई हुई थी है ना। तमाम दोस्तों के साथ जल्द से जल्द वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएं। जेबी भट्ट विकेट पर मौजूद, सामना करें शजर का। ओ बेहतरीन बॉल इस दफा, बड़ा हिट करना चाहा लेकिन ग्राउंड शॉट, रन मिलेगा एक। अब सामना ले करेंगे काशिफ लेफ्टी, काशी लेफ्टी है जी दूसरी तरफ जेबी भट्ट के साथ देने के लिए। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज है टेनिस बॉल के काशिफ लेफ्टी। अब देखते हैं कितने छक्के लगाने में कामयाब होते हैं। 3 बॉल अभी बाकी हैं, पहले ओवर के 3 बॉल बाकी है, देखते हैं 3 बॉल पर कितने छक्के लगाने में कामयाब होते हैं शजर फ्रॉम लाहौर को। 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं 96 का ताकुब करते हुए। शॉट पुल शॉट किया और पहली बॉल फेस की, पहली बॉल पर आते ही छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। शजर ने भी पहली बॉल फेस की थी काशिफ लेफ्टी की और छक्का लगाया था और बदला यहां पर पूरा हुआ काशिफ लेफ्टी का। पहली बॉल फेस की और शजर को ही छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं काशिफ लेफ्टी। उस्ताद फाना का मैच कब है? उस्ताद फाना का जुम्मे वाले दिन सेमीफाइनल होगा दूसरा, क्योंकि मुहर्रम है कल और परसों 9-10 मुहर्रम है, उसकी वजह से एहतराम की वजह से। और इनसाइड है जोर, रन आउट हो गया यहाँ पर काशिफ लेफ्टी। कॉल हुई थी रन की लेकिन काशिफ लेफ्टी ने पहले बना किया फिर बाहर निकल के कुर्बानी दी यहाँ पर। जेबी भट्ट को स्ट्राइक दिया है, अब ये नुकसान जैसा बदल सकता है। काशिफ लेफ्टी रन आउट होकर पवेलियन वापस। इनकी जोरदार शॉट मशहूर है जी, तमाम प्लेयर से ज्यादा जोरदार शॉट लगाते हैं। 5 गेंदों पर रन दे चुके हैं 13, 5 गेंदों पर शजर भाई रन दे चुके हैं 13। अब लास्ट बॉल पर स्ट्राइक संभालेंगे जेबी भट्ट और नॉन स्ट्राइक एंड पर साथ देंगे पत्थर बैट्समैन मानी भट्ट। गेंद घुमाने वाला बैट्समैन आ गया, आज देखते हैं कि कितने बॉल घुमाने में कामयाब होते हैं, कितना नुकसान करते हैं कमेटी का मानी भट्ट। लास्ट बॉल, पहले ओवर का लास्ट बॉल करेंगे शजर। शॉट किया इस दफा, ग्राउंड शॉट है, रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक। 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया काशिफ लेफ्टी का शजर ने, बेहतरीन ओवर रहा यहाँ पर। 14 रन किए हैं टीम सेटरडो ने, अब 82 रन बाकी हैं, 4 ओवर में 82 रन, 20 रन की औसत के साथ स्कोर करना होगा। अब हर ओवर में 20-20 रन लगाने होंगे जेबी भट्ट और मानी भट्ट को, अगर ये मैच सेमीफाइनल मैच अपने नाम करना है तो, फाइनल में क्वालिफाई करना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल नेमार भाई, आपने 20 करोड़ में शेयर कर दिया। अली हसन हाशमी में आया मानी भट्ट, बिल्कुल जनाब मानी भट्ट आ चुके हैं। अब
बेहतरीन बॉलर आए हैं जनाब बिलाल फ्रॉम लाहौर, डिसेबल है लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस करते हैं देते हैं बिलाल। बॉलर नेम क्या जी? बिलाल 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 है जी बॉलिंग के लिए। बिलाल आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए और पहला बॉल करेंगे सेबी भट्ट को। और बेहतरीन बॉल लो फुलटास, सजा मिलेगी इस बॉल पर 6 रन के साथ पहली बॉल की और 6 रन हासिल करने में कामयाब 6 नंबर 2 बाय सेबी भट्ट। दूसरा छक्का निकल चुका है सेबी भट्ट के बैट से। अगला बॉल करेंगे बिलाल और बेहतरीन बॉल इस दफा चांस से बाहर बॉल किया था ब्रो और रन मिलेगा 4। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, कोई मौका नहीं फील्डर के पास के इस बॉल को रोक सके और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं 4 रन के लिए। पहली दो गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं बिलाल फ्रॉम लाहौर को और सामने मौजूद है सेबी भट्ट जिन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर विकेट पर अभी तक मौजूद है। तीसरा बॉल का फेस करेंगे शॉट, लवली शॉट, स्लो वन किया था, स्लो वन किया था, वाइड बॉल भी था लेकिन छिक्का मारना ज्यादा बेहतर समझा सेबी भट्ट ने। तीसरा छिक्का निकल चुका है सेबी भट्ट के बैट से, कैच ड्रॉप किया था फिर उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सेबी भट्ट एक डेंजर मैन है, जब कैच ड्रॉप होता है बड़े प्लेयर का तो वो नहीं छोड़ता और स्कोर पूरा करके ही बाहर जाता है। अब देखते हैं सेबी भट्ट 96 रन अकेले तनहा मुकम्मल करके वापस जाते हैं या नहीं। कैच आउट, कैच आउट हो चुके हैं सेबी भट्ट। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन यहाँ पर सोच समझ के बॉल किया, 2 छक्के 1 चौका जरूर खाया सेबी भट्ट से लेकिन फिर कैच पकड़ निकलवाया खिजर के हाथों, कैच आउट होकर वापस किया है। खिजर ने ही पहली बॉल पर कैच ड्रॉप किया था, अब खिजर ने ही कैच पकड़ कर सेबी भट्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया है और मजबूती तौर पर स्कोर हो चुका है 30। क्या खबर, बिल्कुल जनाब आउट हो चुके हैं अब्दुल्ला चट भाई। 200 प्लस व्यू करने हैं, अगर 130 लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो 200 प्लस व्यू हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। अब स्ट्राइक लेंगे हमजा डार, जेबी भट्ट गब्बर सिंह की जगह स्ट्राइक संभालेंगे हमजा डार, बेहतरीन बल्लेबाज हैं टेनिस के, ये भी टेनिस स्टार कहा जाता है गुजरावाला की सरजमीन पर हमजा डार को। अब देखते हैं बिलाल को, 2 बॉल अभी बाकी हैं बिलाल के, कोई छक्का लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, कासिर रहते हैं छक्का लगाने से। चौथा 5वां बॉल बिलाल, शॉट, लवली शॉट, आते ही जज किया 6 रन के लिए 6 नंबर 1 बाय हमजा डार। 22 रन आ चुके हैं 5 गेंदों पर लेकिन एक बड़ा विकेट भी हासिल किया सेबी भट्ट का। 22 रन आ चुके हैं इस ओवर में और बड़ा विकेट भी हासिल किया। ओ बेहतरीन बॉल इधर रहा इस दफा, बहुत अच्छी बॉलिंग का नजारा, शॉट करने में कामयाब हुए हैं बिलाल फ्रॉम लाहौर, डिसेबल हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, सेबी भट्ट को आउट किया। 36 रन मुकम्मल हो चुके हैं 2 ओवर के बाद और 2 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं, डेंजर मैन सेबी भट्ट और काशिम लाठी। हाय रियाज बुकटी भाई, हाय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल बॉल अब्दुल्ला जट कह रहे हैं, इधर नहीं खड़े होना, सेबी भट्ट आउट हो चुके हैं, इधर नहीं खड़े होना, चलो गाइड कर रहे हैं अपने बैट्समैन, निकल जाओ फिर, निकल जाओ निकल जाओ, क्या करना है। मानी भट्ट आए बैट के और शजर अपना दूसरा ओवर करेंगे, जमशेद के क्रिकेट एंड मुक्ति। ओके जनाब अब मैच मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं है जनाब, 2 बल्लेबाज अभी स्ट्रॉन्ग मैन मौजूद है, इसके बाद अंश विरक अभी पड़े हुए हैं वो भी टेनिस के काफी अच्छे प्लेयर हैं। अब बस कामना करेंगे मानी भट्ट, गेंद घुमाने वाला प्लेयर आ गया है, जब आज देखते हैं कितने बॉल घुमाने में कामयाब होते हैं मानी भट्ट। सामना करेंगे शजा फ्रॉम लाहौर का, 36 रन हो चुके हैं 2 ओवर के खेल के बाद। तीसरा ओवर का पहला बॉल, ओ पहला बॉल डॉट करने में कामयाब शजर, शजर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जारी। पहला ओवर 14 रन देकर काशिफ लेफ्टी को रन आउट किया था और अब देखते हैं पहला बॉल डॉट करने में कामयाब हो चुके हैं शजर फ्रॉम लाहौर। अगर ये ओवर इजी गुजर गया तो मुश्किल हो सकती है बैटिंग के लिए।
दूसरा बॉल करने के लिए रेडी, सोच समझ के बॉल कर रहे हैं शजर, और सामने मौजूद है डेंजर मैन मानी भट्ट, और शॉट किया बेहतरीन शॉट, बहुत ही लंबा छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं मानी भट्ट, पहला छक्का निकल चुका है मानी भट्ट के बैट से। अब देखते हैं मजीद कितने छक्के लगाने में कामयाब होते हैं मानी भट्ट। बड़ा कांटे का मुकाबला जारी, कांटेदार मुकाबला जारी है, 42 रन्स हो चुके हैं, 42 रन्स मुकम्मल हो चुके हैं, और तीसरा ओवर का खेल जारी, चार बॉल अभी बाकी है तीसरे ओवर के। शॉट, लवली शॉट, सिक्स नंबर टू बाय मानी भट्ट, पहला बॉल डॉट जरूर हुए लेकिन उसके बाद अच्छा कम बैक, बैक टू बैक दो छक्के लगाने में कामयाब हुए। इधर नहीं खड़े होना, फील्डर खड़े हुए, जान साहिब के दिमाग में बैटिंग बॉलिंग में स्पॉट। ओके जनाब रियाज मुक्ति भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेंशन किया, वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएंगे। जानू भट्ट टारगेट क्या है, 96 रन का टारगेट है जनाब, 96 रन का टारगेट है पांच ओवर में, और रन हो चुके हैं 48, आधे रन मुकम्मल हो चुके हैं, अब आधे गेंद बाकी है, और शॉट किया इस दफा ग्राउंड शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद, रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक, 15 गेंदों पर 48 रन चाहिए, अब 14 गेंदों पर 47 रन बाकी हैं। टू गुड शॉट, बिल्कुल जनाब, इनाम क्या है, पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम है 20,000 रुपए। पांचवा बॉल करने के लिए रेडी शजर, और स्ट्राइक पर मौजूद है हमजा डार, हमजा डार जो कि अभी तक एक छक्का लगा चुके हैं, अब देखते हैं कि मसीद कितने छक्के लगाने में कामयाब होते हैं शजर को, और बेहतरीन बॉल यहां पर शजर की तरफ से, रन मिलेगा एक, रन मिलेगा एक, अच्छा कम बैक वहां पर बैकअप किया अली गुज्जर ने, और एक स्कोर पर हीरो का। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की शजर, बेहतरीन ओवर, फिर से 14 रन आ चुके हैं शजर को, अब लास्ट बॉल देखते हैं मानी भट्ट छक्का लगाएंगे तो टोटल अच्छा सेट हो सकता है, 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं यहां पर, तीन सेट रेड और पूछने वाला के टीएम नहीं है जनाब, टीएम नहीं है, एम बिलाल, एम बिलाल भाई टीएम नहीं है, और शॉट किया, गोल शॉट है, फिल्डर वहां पर मौजूद, रन मिलेगा सिर्फ सिर्फ, बेहतरीन ओवर रहा यहां पर शजर की जानिब से, 15 रन देकर ओवर को मुकम्मल किया, फिर से पहले ओवर में 14 रन दिए, विकेट हासिल किया, इस दफा विकेट तो नहीं हासिल कर पाए लेकिन 15 रन देकर बेहतरीन ओवर कर चुके हैं शजर फ्रॉम लाहौर, अगर जेबी ये मैच जीत जाता है तो फाइनल भी जेबी का, ओके जनाब अगर फाइनल ये मैच जीते तो फाइनल भी उनका होगा, गुजरावाला विन करेंगे तो मेरी तरफ से 3,000 रुपए इनाम, नेमार सोहेल की तरफ से ऐलान हुआ है कि अगर ये मैच गुजरावाला की टीम जीतती है यानी कि जेबी भट्ट की टीम जीतती है तो 3,000 रुपए सोहेल नेमार की तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा टीम गुजरावाले की टीम। माय नेम रियाज बुकटी, ओके जनाब रियाज बुकटी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेंशन किया, वीडियो को लाजमी शेयर करते जाएंगे। काशिफ भट्ट लखा, हाय जी जनाब, आप चौथा ओवर करने के लिए आए हैं, अबू बकर जॉनसन किसी तारों के मोहताज नहीं, अबू बकर जॉनसन करेंगे बॉलिंग चौथा ओवर, और सामने मौजूद है मानी भट्ट जिन्होंने अभी तक दो छक्के लगा चुके हैं, दो ओवर का खेल बाकी है, रन मेरे ख्याल में चाहिए तकरीबन 45 रन अभी चाहिए, शॉट लवली शॉट मानी भट्ट यू बैठे, तीसरा छक्का लगाने में कामयाब, बॉल अच्छा था लेकिन शॉट उससे भी अच्छा रहा मानी भट्ट के बैट से, तीन छक्के लगा चुके हैं मानी भट्ट, मानी भट्ट की तरफ से वो अपनी टीम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए, मेरे ख्याल में 39 रन बाकी हैं 11 गेंदों पर, 39 रन अभी बाकी हैं 11 गेंदों पर, और अबू बकर जॉनसन ने साइड चेंज की, ओवर द विकेट बॉल करने के लिए आए हैं, अब अबू बकर जॉनसन सामने मौजूद है मानी भट्ट, तीन छक्के लगा चुके हैं अभी तक, शॉट लेकिन ग्राउंड शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद है नबील पोला, बेहतरीन फील्डिंग, रन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में,
38 रन्स बाकी, किसी का भी सीधा नाम नहीं है, कोई भोला कोई लेफ्टी कोई ओके जनाब अली अली भाई ऐसा ही है जनाब। मैंने साथ उनका रियल नाम भी ले रहा हूँ जनाब, अबू बकर जॉनसन है, अबू बकर है और जॉनसन के नाम से मशहूर है। तीसरा बॉल करेंगे, सामने करेंगे बेहतरीन शॉट, आगे बढ़ता हुआ बॉल था, लो फुल टॉस की आगे पाउंड निकालकर फुल टॉस बनाया और स्टेट की जानब छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं हमजा डार, 6 नंबर 2 बाय हमजा डार, बेहतरीन शॉट रहा यहाँ पर, 13 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर। रन्स बाकी मेरे ख्याल में रह चुके हैं 30 या 31, 31 रन्स बाकी हैं 9 गेंदों पर, 31 मेरे ख्याल में, 31 रन चाहिए 9 गेंदों पर, 9 गेंद 5 छक्के मुश्किल नहीं है, लेकिन बॉलिंग को अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देनी होगी अगर फाइनल में क्वालिफाई करना है तो। ये 20,000 रुपए का मैच जारी है, पहला सेमीफाइनल और वाइट बॉल का इशारा, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर गुलफाम चीमा की तरफ से, अगर बॉल दीवार को लाके वापस जाती तो साथ वाइड के साथ 1 रन एक्स्ट्रा का और जुड़ जाना था, लेकिन यहां पर बॉल को रोका गुलफाम चीमा ने और 1 रन ही दिया वाइड का। अब देखते हैं 14 रन आते, 31 रन बाकी हैं अभी 9 गेंदों पर, शॉट किया जबा ग्राउंड शॉट है, विल्डर वहां पर मौजूद बिलाल और स्कोर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1, 4 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं, अब 8 गेंदों पर 5 छक्के मजीद चाहिए, 8 गेंदों पर 5 छक्के चाहिए ये मैच विन करने के लिए बैटिंग साइड को, और 8 बॉल सेव करने होंगे बगैर बाउंड्री के अगर फाइनल में क्वालिफाई करना है। अबूबकर जॉनसन, उमर कोमा, गुलफाम चीमा, बिलाल, शजर, ये अगर 8 बॉल सेफ होते हैं तो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये 20,000 रुपए का मैच जारी है, जो जीतेगा वो 20,000 रुपए का हकदार हो जाएगा। ओह लवली बॉलिंग, क्लीन बोल्ड कर दिया है, आगे बढ़ता हुआ बॉल था, इसको खेला चाह स्टेट की जाना, लेकिन बैट कनेक्ट नहीं कर पाए और क्लीन बोल्ड हुए हैं मानी भट्ट। 7 गेंदे बाकी हैं, रन चाहिए 30। अंश विरक आए हैं अब बैटिंग के लिए माननी की जगह, देखते हैं अंश विरक छक्के लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, अगर इस बॉल पर छक्का लगता है तो लास्ट ओवर में 4 छक्के चाहिए होंगे। अब्दुल्ला जट भाई किले, बिल्कुल जनाब किले हो गए हैं, विकेट हो चुकी है मानी भट्ट की, लास्ट बॉल अबूबकर जॉनसन, बेहतरीन ओवर, 2 छक्के जरूर लगे लेकिन मानी भट्ट को भी आउट करने में कामयाब हुए हैं। और फुल टॉस बॉल था, फील्डर मौजूद गुलफाम चीमा लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, 2 रन ले लिए गए हैं, 3रे रन के लिए मना किया गया और डार की तरफ से, और 28 रन बाकी, लास्ट ओवर 6 बॉल पर 28 रन बाकी, अभी आखिरी ओवर का खेल बाकी है, 6 रन 6 बॉल 6 गेंदों पर 28 बॉल 28 रन, नबील पोला को मेरी तरफ से 1,000 रुपए, नेम आसवेल भाई आप नबील पोला के लिए किस लिए, 6 गेंदों पर 27 रन करना होगा अंदर डार को, आज अंदर डार की आजमाइश है, 69 हो गया, कोई मैं पहला आंसर 96 विन है, 95 का टारगेट आपका, 56 55 56 होया, एक मिनट स्कोर
ਸਤਾਰਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਓਵਰ ਵਿੱਚ पांच गेंदों पर चार छक्के मजीद चाहिए, पांच गेंदों पर चार छक्के मजीद चाहिए। अगर डार करने में कामयाब होते हैं तो कोई नाम देगा हमजा डार को, अगर पांच गेंदों पर चार छक्के लगाते हैं तो। पहली बॉल पर छक्का चुका है, 28 रन करने थे, 22 रन बाकी हैं पांच गेंदों पर। अली गुज्जर है बॉलर, सामना कर रहे हैं हमजा डार। शॉट गया, बॉल हवा में, फील्डर नीचे मौजूद, खिजर, कैच आउट, पकड़ लिया है कैच और आउट हो चुके हैं यहाँ पर हमजा डार। तंजील को जा 1000 पे, अली हसन हाशमी 2000, सोहेल नेमा, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। अब चार गेंदों पर चार 22 रन चाहिए, चार गेंदों पर 22 रन चाहिए। अंश विरक है, अंश विरक है अब स्ट्राइक पर और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक गेंद पर महबूब। कांटे का मुकाबला हुआ है आज दोनों टीमों के दरमियान, बेहतरीन मैच, इसी मैच, वन साइडेड मैच नहीं हो रहा। और आप देखते हैं कि चार गेंदों पर 22 रन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो भी सकता है। और शॉट किया, बेहतरीन कलेक्शन, 6 रन के लिए, 16 रन चाहिए अब तीन गेंदों पर, 16 रन तीन गेंदों पर चाहिए, क्या हो सकेगा या नहीं। तमाम दोस्त करेंगे वीडियो को शेयर भी और बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या तीन गेंदों पर 16 रन होंगे या नहीं। अंशी भाई करे 1000 रुपए नाम तंजील ख्वाजा की तरफ से, अगर ये रन चेज करती है अंश विरक तो 1000 रुपए नाम, 5000 रुपए मलिक सरफराज की तरफ से और सोहेल नेरमार की तरफ से 2000 रुपए नाम दिया जाएगा अगर अंश विरक ये मैच विन करते हैं तो। तीन गेंदे 16 रन, शॉट किया दवा बॉल हवा में और कैच पकड़ लिया, बेहतरीन कलेक्शन, छिक्का खाया, कैच पकड़ाया, छिक्का खाया और खुद कैच पकड़ा। पहली बॉल पर छिक्का, दूसरी गेंद पर कैच आउट, तीसरी गेंद पर छिक्का खाया, चौथी गेंद पर अंश विरक का कैच पकड़कर मोहिने का रास्ता खाया। अब दो गेंदों पर 16 रन, अब नो बॉल का इंतजार करना होगा, अगर नो बॉल होता है तो बेहतर हो सकता है। दो गेंदों पर 16 रन चाहिए अब, शॉट किया है, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन कैच आउट हो गया, कैच आउट हो गया, यहां पर मैच फिनिश और बेहतरीन मैच हुआ और मैच विन किया है उमर कोमा, गुलफाम चीमा, शजर फ्रॉम लाहौर, खिजर, अली गुज्जर और अबूबकर चौंसर ने ये मैच विन कर लिया है। दूसरा सेमीफाइनल इंशाल्लाह जुमे वाले दिन आपको लाइव दिखाया जाएगा एसके स्पोर्ट पेज पर, जिस जो के छोटा फाना और जोंटी बट के दरमियान होगा। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा साथ दिया और वीडियो को शेयर की ज्यादा से ज्यादा। जुम्मे तक आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।